क्या मतलब? क्या मतलब? एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं कि ये यूट्यूब का चैनल क्यों बनाया गया है? मैं कुछ करना चाह रही थी फाद, सो आई कुछ करना चाह रही थी। अगर कुछ करना चाह रही थी तो और भी बहुत से काम है ढंग के करने वाले। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं खुद कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है इसमें। यार आयशा क्यों चाहती हो कि लोग मेरा मजाक उड़ाएं? और क्या लगता है तुम्हें, तुम बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी? सो बेसिकली तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मेरा कुछ करना? इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी। मम्मी की कॉल थी, उनको खाला ने कॉल करके बताया है कि उनकी बहू की वीडियोस यूट्यूब पे चल रही हैं। सख्त शर्मिंदा हो रही थी। शर्मिंदगी की बात ही क्या है इसमें? एंड फ्रेंकली स्पीकिंग तुम्हें इतना बुरा लग रहा है और तुम ऐसे बोल रहे हो क्योंकि बाकी लोग तो अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे, इतने कमेंट्स कर रहे हैं। आई डोंट केयर व्हाट अदर पीपल आर सेइंग और इफ दे अप्रिशिएट। इनफैक्ट आई डोंट इवन केयर व्हाट माय फैमिली इज सेइंग और व्हाट दे आर गोइंग टू से। मैं नहीं चाहता कि तुम ये कंटिन्यू करो। सो प्लीज आंटी की कॉल आ रही है आपको, आप उन कॉल क्यों नहीं उठा रही? और वो कह रही है कि आपको कोई ब्रांड कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आप रिप्लाई उस पे भी नहीं कर रही। आज हमने न्यू वीडियो भी बनानी है। उठे उठे मामा, उठ। अली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ यहाँ से। लेकिन मामा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ जाओ जाओ। फादर स्पीक के सारे प्रेजर्स मुझसे डिस्कस कर लो, मैं ट्रिप के ऊपर किसी की कोई कॉल नहीं लूंगा, किसी कोई बात नहीं करूंगा। श्योर सर, मैंने अपनी इवैल्यूएशन तो कर ली है, वो जैसे ही मुझे मार्केटिंग वालों के रिमार्क्स आते हैं तो मैं आपके पास आ जाऊंगा लेके। हाँ वो ईमेल वाला इशू भी देख लेना, एंड मेक श्योर नेक्स्ट टाइम मुझे कोई कंप्लेन नहीं चाहिए। दिस क्लियर सर? दैट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट और आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट। ये तस्वीर माय फैमिली सर। ना ना ना, this lady, she's my wife. तुम्हारी वाइफ? ये वही है ना जो कोई ट्रेनिंग वगैरह देती है, वो क्या नाम था, ट्रेनिंग वाली लड़की, वही है ना ये? जी सर। Oh, come on, पा, तुमने पहले मुझे कभी क्यों नहीं बताया? अरे भाई मेरी वाइफ तो बहुत इंप्रेस है इनसे, कहती है जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक्सरसाइज को बहुत आसान कर दिया इनकी ट्रेनिंग ने, और बाकायदगी से इनके वीडियोस फॉलो करती है वो। इनफैक्ट मैंने भी देखा है, शी इज रियली नाइस, रियली अप्रिशिएबल। तुम इस तरह क्यों नहीं कहते कि कभी अपनी फैमिली को लेकर मेरे घर आओ ना डिनर पे? माय वाइफ शी विल बी वेरी हैप्पी टू सी हर। श्योर सर, बल्कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते? आप लोग आज शाम को हमारी तरफ आ जाइए खाने। ना यार सब मुझे बहुत खुशी होगी, एंड माय वाइफ मेक्स रियली गुड फूड। ओके दैट्स ग्रेट। ऑलराइट ओके, मैं इस तरह करता हूं कि आई हैव टू स्पीक टू माय वाइफ, देन आई विल लेट यू। आई विल बी वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई। ऑल सी यू देन। थैंक यू सर।
पहले अपना ख्याल रखने की आदत डालेंगे आप, तभी किसी और का ख्याल रख पाएंगे आप। कैल्शियम की आदत अपनाएं, हड्डियां मजबूत बनाएं। अ पब्लिक सर्विस मैसेज ऑन कैल्शियम अवेयरनेस। आशा, मैं तो कहूंगी कि आप बहुत सी खवातीन की इंस्पिरेशन बन गई हैं। इनफैक्ट मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आज के खाने के बाद तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फहद, I must say, you are a lucky man. मुझे लगता है कि आयशा ज्यादा लकी है, क्योंकि अगर हस्बैंड की सपोर्ट ना हो तो ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। और इतना सपोर्टिव हस्बैंड भी तो किस्मत वालों को ही मिलता है, क्यों आयशा? Yes, yes, exactly, right. भाई मैं तो ये कहूंगा कि एक सक्सेसफुल वाइफ के पीछे भी एक सपोर्टिव हस्बैंड का हाथ होता है, जैसा कि मैं। I really like your bracelet. It's very beautiful. Thank you. चाय ठीक है अब? हाँ वो कल से तुम इस तरह करो कि वो काशिफ वाली जो फाइल है उसके ऊपर। आयशा आप जो भी कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, इसको रोकिएगा नहीं। सब अच्छा हो गया, बॉस काफी खुश थे। आज खाना वाकई बहुत अच्छा बना था। और तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारे खाने का बहुत बड़ा फैन हूं। थैंक यू आयशा। Thank you.